साथी जो वक्त में काम आ जाए वही सच्चा साथी है, जो मौके पर साथ खड़ा हो जाए वही सच्चा समर्थक है। मैं कह सकता हूं कि आज आपको मेरी कितनी आवश्यकता है मुझे नहीं पता, पर मुझे आपकी बहुत जरूरत है और आप इस समय मेरे साथ खड़े हैं और जीवन भर आपका आभारी हूं। आप मौत से निकल कर आए इस राजनीतिक लड़ाई में जहां बड़े बड़े लोग हम लोगों को कमजोर करना चाहते हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, वहीं आप जैसे साथी अपना काम छोड़कर मेरा साथ निभाने आए हो। मैं हमेशा आपके साथ का आभारी रहूंगा कि आपने उस मौके पर मेरा साथ निभाने की कोशिश की है जब बहुत सारे लोग मेरा साथ छोड़ भी रहे हैं। राजनीति में मैंने देखा कुछ रिश्ते तो अचानक बनते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों के विषय में मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं कहते हैं दुनिया बहुत बड़ी है, हजारों लोगों से दुनिया चल रही है, अगर वर्तमान समय में हमें एक दूसरे से लगाव है, अपनापन है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं और आप जितना प्रेम और स्नेह लेकर आज आए हैं मैं उसके लिए भी साधुवाद देता हूं और मानता हूं कि इस जन्म में ना सही पर किसी जन्म का कोई तो रिश्ता है तुमसे हमारा, अभी तो आप आए हो भगवान इस रिश्ते को बनाए रखे, कुछ बनाए ना बनाए पर ये रिश्ता हमारा बना रहे, हम लोग एक दूसरे की मदद में जीने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे, यही तो जिंदगी है और यही राजनीति है। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे जीवन काल एक बात समझाने की कोशिश की कि हे गांव के लोगों, जब तक तुम सब मिलकर अपनी सरकार नहीं बनाओगे और सरकार का हिसाब लेने की हिम्मत नहीं जुटाओगे तब तक गांव में खुशहाली नहीं आ सकती। उन्होंने कहा जब तक राजनीति करने वाले लोगों से कहा कि जब तक गांव में खुशहाली नहीं आई, जब तक गांव खुशहाल नहीं होंगे देश खुशहाल नहीं हो सकता, और अगर गांव में गरीबी है परेशानी है तो उसके पीछे कोई दोषी है तो राजनीतिक फैसले दोषी है। यहाँ के होली वाले लोग तो खुशी को जिताते जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के लोगों आपसे भी कहना चाहता हूं, आप तो अपने आप में निर्णय हो, मैंने दुनिया के अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा देश की राजनीति को भी समझोगे आप, इतना लंबा समय इतना लंबा साथ मैं कह सकता हूं दुनिया में कोई नहीं देता होगा जितना लंबा साथ आप समय मध्य प्रदेश के लोगों ने दलों कर लिया। 20 साल तक सरकार, 5 साल सरकार चलाना मुश्किल, सरकार की परीक्षा सरकार की परीक्षा लेने वाले लोग, लेकिन तुम कितने भोले हो कि तुम खुद को फेल होते चले जा रहे हो लेकिन सरकार को जिताते चले जा रहे हो, इतने भोले लोग तो संसार में कहीं नहीं है। और किसी सरकार में तुम्हें मेहरबानी की जरूरत नहीं है, एक तो कंफ्यूजन पैदा कर दिया लोगों ने। मैं तो पत्रकार साथियों से भी कहना चाहता हूं कि देखो गांव में अगर अशिक्षा है, अगर वो पढ़ लिख नहीं पाए, वो नहीं समझ पाए कि राजनीति का विषय क्या है, तो जो पढ़ा लिखा है उसकी जिम्मेदारी है कम से कम उसको ये तो पता है कि वो क्या है। सरकार बनाने के पहले लोग सेवक बनकर आते हैं और सरकार बनने के बाद फैसला करते समय शासक की तरह, अभी सरकार मेहरबानी से कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, वो कह रहे हैं 1500 दे देंगे किसी बहन को, कोई कहता 3000 दे देंगे, वो कह रहे हैं हम तुम्हें फ्री में गेहूं दे देंगे। तो मेरा सवाल पत्रकारों आपसे है, इन नेताओं से कम से कम इतना पूछिए घर से दे रहे हो कुछ, उनके ही पैसे से दे रहे हैं, उनसे मेहरबानी दिखा रहे हैं। एक सवाल जरूर करूंगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की हम तुम्हें दे रहे हैं, जो मालिक है जिनके पैसे हैं 3 लाख करोड़ दिन का बजट है, जो खून पसीने के पैसे थे 3 लाख करोड़ तुम्हारे हाथ में सौंप रहे हैं वो दे रहे हैं हम लोगों, तुम्हें सामने आती 1500 3000 की बात कहते हो, जनता तय कर सकती है कि तुम बताओ कितने पैसे चाहिए, तुम बताओ बाकी हमारा पैसा हाथ में खर्च करो, ये कब होते आएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों ने पहले भी कहा, हमारे समाजवादी नेताओं ने कहा कि सरकार भी कभी कोई काम को ऐसा मत मान लेना, सरकार के पास कोई पसीना नहीं है, तुम्हारे ही वोट तुम्हारे ही वोट और तुम पे मेहरबानी। मैंने कहा इस मेहरबानी को मिटाना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा, तुम्हें ये चिंता करनी पड़ेगी कि अगर शिवराज सिंह चौहान आज हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर में पेट्रोल तुम्हारे खून पसीने की कमाई का चल रहा है, अगर कोई मंत्री भूख
ठीक है सर, तो उस कार में तुम्हारी मेहनत की कमाई का पेट्रोल जलाया जा रहा है, अगर होटल में रुक रहा है, बिल दिया जा रहा है, तो तुम्हारी मेहनत के पैसे खर्च किए जा रहे हैं। कोई सड़क बन रही है तो हिम्मत मानो सरकारी है, वो सड़क अभी खराब बन रही है तो तुम ये सोच के देखो कि हमारे मुल्क मुसलिम के पैसे को तुम सारे ऐसे बर्बाद कर रहे हो। ये सरकारी नहीं है कोई पैसा, ये पैसा तुम्हारी मेहनत की कमाई का पैसा है। एक बेईमान चालाक लोग समझाते हैं कि तुम गरीब हो, अरे गरीबों सब कुछ तुम्हारा है, तुम देश के असली मालिक हो। 85% लोग गांव में रहते हैं, ये देश गांव से बनता है, तुम्हारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। और अगर देश का बजट भी 30 लाख करोड़ है पत्रकार साथियों, उसमें भी 85-30 पैसा गांव के लोगों का है। ये भ्रम फैला रखा पड़े लोगों ने, जिससे गरीब संजीवनी बाई का पैसा किसका है बताओ, GST का पेमेंट कौन है, ये कितना कब तक देखू बनाओ इस देश के बोले वाले लोगों को। मैं तब कहता हूं पढ़े लिखे लोगों, GST को देनदार नहीं कोई है, वो सिर्फ उपभोक्ता है, व्यापारी का एक पैसा नहीं लगता GST में। ये बात तुम कब समझोगे, अगर व्यापारी व्यापार करते समय GST दे करके लाता है तो जनता से पूरा वसूल कर लेता है, मुनाफा कर लेता है। व्यापारी के पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि तुम जनता से पैसे को लेकर हमको जमा कर दो या पहले जमा कर दो, लेकिन असली पैसा देने वाले लोग इस देश की जनता है। इसलिए तुम्हें किसी नेता की मेहरबानी की जरूरत नहीं है, तुमसे लड़ाई इसलिए जीतनी है, जो लड़ाई है कि हमारा 3 लाख करोड़ का बजट है, तुम हम पर खर्च कर दो, हमें तुम्हारी किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। 5 साल में गांव को शहर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई पुरानी है। याद करो आजादी के बाद एक मौका आया, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी साहब ने देश के प्रधानमंत्री बनते ही शपथ लेते ही एक बात बोली, ये देश गांव में बसता है, हिंदुस्तान का बजट गांव के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा है, हम 70-20 पैसा गांव में खर्च करते हैं। जिस दिन ये भाषण चौधरी साहब ने दे दिया, उसके बाद चौधरी साहब दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए थे। ये सच्चाई बताओ पत्रकार साथियों, ये है पूंजीवाद का, उद्योगपतियों का हिंदुस्तान की सियासत पे कब्जा। हमारी लड़ाई समाजवादियों की यही है कि बजट का 70-20 पैसा हम गांव पे खर्च करेंगे। मैं तुमसे भी कहने आया हूं, बड़ी मुश्किल से मौके मिलते हैं राजनीति में, जब तक भी और समय को बदला जा सकता है। तुम्हारा वोट सिर्फ किसी को बनाने की हैसियत नहीं रखता, तुम्हारा वोट बहुत सारे लोगों को भविष्य को बनाने की योजना में शामिल कर सकता है। तुम्हारा एक फैसला किसी गलत फैसले को सरकार बनाता है, और वो सरकार यदि फैसले गलत लेती है, आपने जो 19-20 साल में दिए एक सरकार को, बताओ 20 साल में भी स्कूल अच्छे बनेगा होंगे, और अगर अच्छे स्कूल नहीं बने तो इन बेईमानों को खोद के गाड़ना पड़ेगा कि नहीं गाड़ना पड़ेगा। 20 साल में करोड़ों किसानों मजदूरों को देकर मजदूर बन गए, अगर इन बेईमानों ने पास का 20 साल पहले 15 साल पहले तुम्हारे गांव में अच्छा स्कूल बना दिया होगा, अच्छा मास्टर पहुंच गया होगा, तो जो आने वाली पीढ़ी जो पढ़ लिख नहीं पाई, जो पीछे वाली पीढ़ी जो नहीं मौका छूट गया, वो खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई के अवसर चले गए। मैं तो लोगों से कहता हूँ उनके बच्चों को पढ़ाओ,